जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले ही अपनी पार्टी की हार मान ली है। जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि यदि हमारा गठबंधन सही रहा बिहार में तो हम 2010 से ज्यादा भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, यानी अच्छा रिजल्ट, उससे भी बेहतर रिजल्ट हमको मिलेगा बिहार में। इस पॉइंट को आप समझिए, 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे और वो पहुंच गए 2010 पे। इसका मतलब सीधा साधा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी हार मान ली है और मानेंगे भी कैसे नहीं कि जो क्रियाकलाप इनके शासनकाल में बिहार की जनता को मिला है, बेरोजगारी, अपमान, वो बिहार की जनता भूली नहीं है। इसी कोरोना वायरस महामारी में किस तरह से बिहार के लोग पैदल चल रहे थे, भूखों चल रहे थे, कई सौ आदमी पैदल चल के मर गए, कोई रेल पे कट गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन बिहार सरकार के सीने में और केंद्र सरकार के सीने में ऐसा लगता नहीं था कि दिल है, कोई रहम करे इनके ऊपर, कोई इनके लिए व्यवस्था करे। तो अगर यदि किसी का किसी तरीके से बिहार के बॉर्डर पे यदि ये पहुंच गए तो यही इसी नीतीश कुमार की सरकार ने उनको बिहार में नहीं घुसने दिया, उनको बिहार में नहीं घुसने दिया, बिहार के बॉर्डर पे ही उनको जेल खाने में डाल दिया गया, या यूं कहें छोड़ दिया गया कि एंट्री नहीं करने देंगे आपको बिहार में। तो क्या ये जनता भूल गई है? कभी नहीं भूलेगी। जो मुसीबत बिहार की जनता ने, देश की जनता ने देखा है, कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। इसीलिए अचानक, मतलब जब पूरा देश महामारी के संकट से गुजर रहा है, तो बिहार में विधानसभा की चुनाव टाइमली कराने का मकसद यही है कि लॉकडाउन के माध्यम से दूसरी पार्टियां प्रचार ना कर सके, कोई उनके पास सुविधाएं नहीं है, क्योंकि सुविधा यदि किसी के पास तो सरकार के पास है, वो जैसा चाहेगा वैसा नचाएगा। तो इसीलिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार ये प्लानिंग है, लेकिन जनता इनको नकार चुकी है। आपने देखा होगा एक भाजपा के सांसद बिहार में दबा के पिटाई खाए हैं, अभी जनता के बीच में गए हैं। कई जगह के विधायक बढ़िया से पिटाई खाए हैं, जनता के बीच में गए हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता झेल रही है। मोदी की तरह ये जुमले मार मार के जो बेवकूफ बनाने का काम बिहार की जनता को कर रहे हैं, उससे बिहार की जनता ऊब चुकी है। और इनको सबक सिखाने के लिए मैं दावे से कह रहा हूं, 5 सीट मुश्किल पड़ जाएगा जेडीयू को। और जो दम भरती है कि हम भारत की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 10 करोड़, 15 करोड़, कभी कहते 10 करोड़, कभी 15 करोड़, कभी 20 करोड़ इनके सिर्फ सदस्य हैं, तो उतनी बड़ी पार्टी किसी बैसाखी की जरूरत है क्या?
यदि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है तो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ लेना अपने दम पे, औकात पता चल जाएगा। अगड़ी जाति के वोट पे घमंड है, वो भी नहीं है साथ, वो भी नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि देश से अलग है या अलग है, वो भी इसी देश में रहते हैं। ये सारी परेशानी वो भी इसमें झेले हैं और समझ रहे हैं कि हमने गलत फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को चुना, एनडीए गठबंधन को चुना, ये समझ चुके हैं, मतलब बिहार की जनता और देश की जनता। तो आपको सबक सिखाने के लिए बिहार की जनता तैयार है, चाहे आप जैसे मर्जी चुनाव करा लो। मैं साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं बिहार की जनता से कि 15 साल नीतीश कुमार ने शासन किया, बीजेपी गठबंधन ने शासन किया है, उतना ही साल 15 साल आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू की पार्टी ने किया है। इन 30 सालों में, इस 30 सालों में बिहार की जनता यह सोचे कि उनको क्या मिला 30 साल के अंदर। लालू जी के शासन काल में जितने बिहार की इंडस्ट्री थी सबको बंद करने का काम किया। नीतीश कुमार के शासन काल में उन इंडस्ट्रियों को बेचने का, एक एक ईंट बेचने का काम किया। यह है इनका विकास। 16 सरकारी चीनी मिल है, सब में ताला लॉक है। 15 साल में एक मिल नीतीश कुमार की सरकार ने चालू करने का काम नहीं किया, लेकिन ये लोग भाषण लंबे 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 छोड़ने में माहिर है। तो बिहार की जनता, आप ये कतई ना भूले कि आपको, आपके जीवन का, आपके बाल बच्चों के जीवन का 30 साल में बेड़ा गर्क किया बिहार का, तो क्या ऐसी पार्टियों को आप चुनेंगे? अभी लालू जी का लड़का भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, सोचना पड़ेगा आपको कि क्या आप, जिसके पिताजी ने 15 साल में बिहार को बर्बाद करने का काम किया, उसे क्या फिर चांस देंगे? क्या करेंगे, क्या प्लान है? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो भी प्रत्याशी बने बिहार में विधायक के लिए, सभी उम्मीदवार को आप एक साथ बुलाएं अपने क्षेत्र में और उनसे सवाल जवाब करें कि आप 5 साल मत लेने के बाद क्या गारंटी है कि आप हमारे लिए क्या काम करेंगे, इसका कौन सा प्रमाण आप देना चाहते हैं? बाहरी व्यक्ति को विधायक मत चुनना क्योंकि वो नहीं शक्ल दिखाएगा, लेकिन अपने क्षेत्र के व्यक्ति को आप चुनोगे तो उसका गिरेबान आप पकड़ सकते हो जाके कभी भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक मीटिंग कराओ और बुलाओ सारे प्रत्याशियों को, सभी पार्टियों को, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे निर्दलीय हो, और उनकी योजना पूछो कि 5 साल हम यदि आपको देंगे तो आप हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे, इसकी क्या गारंटी देते हैं? पसीने छूट जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे उस व्यक्तियों के जो आपको उल्टी सीधी पढ़ाई पढ़ा के आपका जीवन का अनमोल चीज, आपका मत ले जाता है। वो आप चाहें तो आप सुधार सकते हैं उस स्थिति को। नेता से प्लानिंग पूछिए और यदि वो अपने समय पे काम ना आए तो जूता लेके उसके घर पे पहुंच जाइए।
ऐसा नहीं है कि 5 साल पटना में ही नजर आएगा, अपने घर भी जाएगा, अपने क्षेत्र में भी जाएगा। तो जूते से वैसे नेताओं का स्वागत करिए, और जो पिछले 5 साल में आपसे वादा करके मत लिया, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, अगर वो क्षेत्र में आता है तो पूरा जूते के साथ उस नेताओं का स्वागत करिए, तब जाके ये नेता सुधरेंगे। हमारी पार्टी है भारतीय मित्र पार्टी, मैं वादा करता हूं, वादा नहीं पूरे प्रमाण के साथ, कि जहां भी हमारे कैंडिडेट बिहार में चुनाव लड़ेंगे, आप उनसे सवाल जवाब करिए और पूरे प्रमाण के साथ उनसे लीजिए कि यदि हम आपको मत देते हैं तो आप हमारे लिए क्या करिएगा, और यदि हमारे नेता ही अपने वादे पे खड़े ना उतरे तो अगली बार जूता लेके उसका स्वागत करिए, तब जाके ये नेता सुधरेंगे। मैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय मित्र पार्टी का गठन नहीं किया हूं, किसी तरह से बिहार में चुनाव ना हमारी पार्टी लड़े तो तरह तरह के निर्वाचन आयोग भी हमारे पे हथकंडे अपना रही है, लोकसभा चुनाव में भी हमारे को चुनाव चिन्ह के लिए परेशान किया गया, जो 2016 के अंदर भोजन से भरी हमें थाली दी गई, हमें कभी नहीं कहा निर्वाचन आयोग ने कि आपको इतने दिन के लिए ही यह चुनाव चिन्ह दिया गया है। 4 राज्यों में चुनाव थे, नई नई हमारी पार्टी का संगठन हुआ था, चुनाव चिन्ह हमें मिला, भोजन से भरी थाली, बाहर राज्यों में चुनाव लड़े, अरे भाई पहले बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे ना, 2016 के बाद तो कोई चुनाव हुआ नहीं, 2019 में हुआ, हमने 10 प्रत्याशी उतारे, लेकिन उस टाइम में चुनाव चिन्ह हमें नहीं दिया गया, फिर हम हाई कोर्ट का सहारा लिए, फिर वही चुनाव चिन्ह दिया गया। तो चुनाव आयोग छोटे दलों को इस कदर से परेशान करता है कि क्या बताएं आपको। उसी प्रकार अभी मैंने आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि चुनाव चिन्ह के लिए हमने अप्लाई फिर से किया, तो 1 महीने बाद हमारे पास चुनाव आयोग का लेटर आ रहा है कि आप अध्यक्ष कौन है अभी आपकी पार्टी का, क्योंकि आपका टाइम 4 साल पूरा हो गया, जो कि पिछले साल ही हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके इसका निर्णय ले लिया था कि अध्यक्ष कौन होगा। हाँ वो बात अलग है, हम लेटर नहीं दे पाए, लेकिन अभी चुनाव आयोग को चाहिए कि जब चुनाव का डेट है तो चुनाव चिन्ह आमंत्रित करना चाहिए, और उसके बाद कोई प्रक्रिया है तो करनी चाहिए, लेकिन सरकार के इशारे पे किस तरह से ये लोग काम करते हैं। बिहार की और भी कई पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव आयोग ने ऊपर के इशारे से किस तरह से इन छोटे दलों को परेशान किया जाए, लेकिन उस परेशानी से हार मानने वालों में से धनेश्वर महतो नहीं है। किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे। मैं जो आपसे कह रहा हूं उस बातों को आप ध्यान दीजिए कि 15 साल लालू प्रसाद ने बिहार को क्या दिया, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार ने बिहार को क्या दिया, ये आपको सोचना पड़ेगा। और यदि जिस नेता को आपने बड़ी ईमानदारी से स्वागत करके उसको चुने और आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे, तो आप समय आ गया है आपके दरवाजे पे वो नेता घूमने वाला है, तो जूतों का हार ऐसे नेताओं के लिए आप संभाल के रखिए, फटे पुराने जितने भी जूते हो उसको आप संभाल के रखिए, और जब वो आए तो वो फटे पुराने जूते का माला उसके गले में दीजिए और मुंह काला करके उसको समाज में घुमाइए कि तुमने हमें छला, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हें हम ये सजा दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।